चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया काफी ज्यादा मेहनती थी। मीनू चिड़िया का एक छोटा सा कारोबार था जिसमें मीनू चिड़िया परिंदों को मीठे मीठे आम बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमाती थी। मीनू चिड़िया रोजाना एक आम के पेड़ से काफी सारे आम तोड़ा करती थी और वो आम का पेड़ भी बहुत अच्छा था। मीनू चिड़िया, तुम मुझ पर से रोजाना जो ये इतने सारे आम तोड़ती हो, क्या ये सारे आम बिक जाते हैं? हाँ हाँ पेड़ भैया, मैं आपके ऊपर से जितने भी आम तोड़ती हूँ, मेरे सारे दिन में ये सारे आम बेच देती हूँ। मीनू चिड़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है, बस इसी तरह मेहनत करती रहो और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाती रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ भैया। मुझे जाकर ये सारे आम भी बेचने हैं। फिर मीनू चिड़िया आम की टोकरी लेकर उन आमों को बेचने निकल जाती है। आम ले लो, मीठे रसीले आम ले लो, ताजे ताजे आम ले लो, आ जाओ सारे जल्दी जल्दी से आम ले लो। मीनू चिड़िया की आवाज सुनकर वहाँ एक कौवा आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, चिड़िया ये आम तो देखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, कहीं ये आम ऊपर से अच्छे और अंदर से खराब तो नहीं है ना? नहीं नहीं कालू कव्वे, ये आम बहुत ही ज्यादा मजेदार है। अच्छा ऐसी बात है, लाओ मुझे एक दर्जन आम दे दो, मैं अपनी रानी कव्वी को जाकर ये आम खिलाऊंगा। फिर वो कालू कव्वा एक दर्जन आम लेकर वहाँ से चला जाता है। वाह, आज तो सुबह ही सुबह मेरे एक दर्जन आम बिक गए, लगता है आज जल्द ही मेरे ये सारे आम बिक जाएंगे। कालू कव्वे, तुम ये आम कहाँ से ला रहे हो, मुझे भी बताओ, मुझे भी आम लेने हैं। तोते भाई, मैं तो ये आम मीनू चिड़िया से लेकर आ रहा हूँ, आपको भी आम लेने हैं क्या? हाँ हाँ कालू कव्वे, मुझे भी आम खरीदने हैं, मेरी बीवी को आम बहुत पसंद है, इसलिए तुम मुझे बताओ मीनू चिड़िया कहाँ बैठी है। फिर वो कव्वा तोते को रास्ता बताता है और तोता मीनू चिड़िया के पास आम खरीदने चला जाता है। मीनू चिड़िया, कितनी मुश्किलों से मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूँ, मुझे तुमसे आम खरीदने हैं, मेरी बीवी को आम बहुत पसंद है, इसलिए तुम मुझे एक दर्जन आम दे दो। लेकिन मीनू चिड़िया, ख्याल रखना कि आम अंदर से खराब ना हो, नहीं तो मेरी बीवी मुझे बहुत मारेगी। मिट्ठू तोते, तुम फिक्र ना करो, ये आम बहुत ही ताजा और मजेदार है, तुम्हारी बीवी ये आम खाकर खुश हो जाएगी। ठीक है मीनू चिड़िया, अगर तुम कहती हो तो मुझे एक दर्जन आम दे दो। फिर वो तोता भी एक दर्जन आम लेकर चला जाता है। वाह भई वाह, मेरे आम तो कितनी जल्दी बिक रहे हैं, बस ये थोड़े से आम बाकी हैं, ये भी बिक जाए तो मैं घर चली जाऊंगी। शाम हो जाती है और मीनू चिड़िया के सारे आम बिक जाते हैं। आज मेरे सारे आम कितनी जल्दी बिक गए हैं, वरना तो आम बेचते बेचते रात हो जाती थी, लेकिन आज तो मेरे आम जल्दी बिक गए हैं। चलो मैं आम के पेड़ के पास जाती हूँ और उन्हें शुक्रिया कहती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया आम के पेड़ के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया, तुम बोलो बोलो, इस वक्त तुम यहाँ कैसे आई हो? पेड़ भैया, कोई खास बात नहीं है, बस मैं आपको शुक्रिया कहने आई थी, आपकी वजह से मैं रोजाना कितना मुनाफा कमाती हूँ। आप जो मुझे आम देते हैं, वो आम इतने मजेदार होते हैं कि सभी परिंदे मुझसे आम खरीद लेते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, ये तो है, मुझ पर लगे सारे आम बहुत ही मजेदार होते हैं। मीनू चिड़िया, तुम यकीन नहीं करोगी, मैं तुम्हारे अलावा अपने ऊपर से किसी भी परिंदे को आम नहीं तोड़ने देता हूँ, एक सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं आम तोड़ने देता हूँ। पेड़ भैया, ये तो आपका मुझ पर एहसान है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रोजाना मुझे कितने सारे आम देते हैं।
भी फायदा नहीं हो रहा है। सारा फायदा तो मीनू चिड़िया का होता है, मेरा तो इसमें कोई भी फायदा नहीं है। बस अब मैंने सोच लिया है, अब मैं मीनू चिड़िया को कोई भी आम नहीं दूंगा। इस पूरे जंगल में एक मैं ही वो आम का पेड़ हूँ जिस पर इतने मजेदार आम लगते हैं। तो मैं अपने आम इस मीनू चिड़िया को क्यों दूं? इस पेड़ को अपने मीठे रसीले आम की वजह से अपने ऊपर घमंड होने लगा। अगले दिन जब मीनू चिड़िया पेड़ के पास आम तोड़ने के लिए आती है, तो वो पेड़ मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया तुम मुझ पर से एक भी आम मत तोड़ना। आज के बाद मैं तुम्हें अपने ऊपर से एक भी आम नहीं तोड़ने दूंगा। चलो चली जाओ यहाँ से तुम। पर क्यों पेड़ भैया, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप मुझे अपने ऊपर से ये मीठे रसीले आम तोड़ने नहीं दे रहे हो? मीनू चिड़िया, मैं अपने इतने मजेदार आम तुम जैसी छोटी मोटी चिड़िया को नहीं दे सकता हूँ। चलो यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। ये मीनू चिड़िया काफी ज्यादा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। ये सब होता हुआ एक जादुई परी देख लेती है। वो जादुई परी पेड़ का घमंड देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ये आम का पेड़ तो काफी ज्यादा घमंड करने लगा है। इस आम के पेड़ को मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वो जादुई परी अपने जादू से इस पेड़ के सारे आम गायब कर देती है। अब इस पेड़ को पता चलेगा कि घमंड का क्या अंजाम होता है। अगली सुबह मीनू चिड़िया कहती है, चलो मैं पेड़ भैया के पास जाती हूँ। क्या पता कल वो किसी बात पर गुस्सा हो। मैं एक बार फिर उनके पास जाती हूँ। क्या पता आज वो मुझे अपने आम दे दे। ये सोचकर मीनू चिड़िया आम के पेड़ के पास चली जाती है। अरे पेड़ भैया, ये क्या हो गया? आपके सारे आम कहाँ चले गए? ना जाने मीनू चिड़िया, ये सब क्या हो गया? मेरे ऊपर से सारे आम कहाँ गायब हो गए? मीनू चिड़िया, मैंने अपने मीठे रसीले आमों पर घमंड किया था। क्या पता ये मुझे उसकी सजा मिली हो। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उस पेड़ को मीनू चिड़िया से माफी मांगता देखकर वो परी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इस पेड़ को अपने घमंड की सजा मिल गई है। अब मुझे इस आम के पेड़ को उसके आम लुटा देने चाहिए। फिर वो जादुई परी उस आम के पेड़ के सारे आम उसे लुटा देती है। अब से वो पेड़ कभी भी घमंड नहीं करता था और मीनू चिड़िया को